दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी की। 70 के दशक में हेमा मालिनी बॉलीवुड की बहुत ही मशहूर अभिनेत्री थी और उनकी खूबसूरती के दीवाने पूरे भारत में मौजूद थे। लोग उन्हें ड्रीम गर्ल के नाम से भी जानते हैं और आज भी हेमा मालिनी के प्रशंसक बहुत ही ज्यादा हैं। आज हम आपको हेमा मालिनी से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प बात बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हेमा मालिनी दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र से शादी की है। लेकिन आपको बता दें, बॉलीवुड का एक और कलाकार हेमा मालिनी को बहुत पसंद करता था और उन्हें दिलो जान से प्यार करता था। दोस्तों वो कलाकार कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजीव कुमार थे। ऐसा माना जाता है कि संजीव कुमार हेमा मालिनी को बहुत पसंद किया करते थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे। उन्होंने हेमा मालिनी को प्रपोज भी किया था, मगर हेमा मालिनी धर्मेंद्र से प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने उनका प्रपोजल अस्वीकार कर दिया। यह बात संजीव कुमार के दिल पर लग गई और उन्होंने उम्र भर शादी ना करने की कसम खा ली। संजीव कुमार ने जिंदगी भर शादी नहीं की और 6 नवंबर 1985 को उनका मुंबई में देहांत हो गया। अब उनके देहांत के कई साल बाद हेमा मालिनी ने एक कार्यक्रम के दौरान उनको याद किया। तो दोस्तों जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि धर्मेंद्र और संजीव कुमार में से आपका फेवरेट एक्टर कौन है, धर्मेंद्र या संजीव कुमार या फिर दोनों ही। और इन दिग्गज कलाकारों के इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए वैभव वर्ल्ड चैनल को और घंटी वाले आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको टॉप ट्रेंडिंग न्यूज सबसे पहले मिलती रहे।